8 दिसंबर को लगने वाली नेशनल लोक अदालत के प्रति जागरूकता के लिए बाइक रैली निकाली। बाइक रैली को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपिन बिहारी शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आप लोगों को क्या उद्देश्य क्या है वहाँ जाने का, क्या करने का, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? सर 8 दिसंबर को सर लोक अदालत का आयोजन हो रहा है सर, उसी का प्रचार प्रसार हेतु हम लोग की टीम जा रही है सर। और सर वहाँ पे सर जो लोग भी मिलेंगे, जो भी क्राउड होगा वहाँ पे सर, हम फिर लौट के उम्मीद करेंगे सर, फिर रामगंज चौराहे जाएंगे, फिर बजरिया बजरिया से मेन मार्केट और दूर सर। तो आप लोगों को प्रोग्राम कोई करना है? यस, मैप चार्ट तो आप लोगों के पास है, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोग आने वाले हैं? सर हमने अभी कैंप चलाया था, नहीं मध्यस्थता का, उसमें सर हम सबको मतलब यहाँ पे सबको बताया गया था कि यहाँ नहीं, मतलब वहाँ के लोग कैसे आएंगे सर, उनको नहीं किया सर हमने सर ने यहाँ वहाँ लोग कैसे सर उसमें सर वहाँ स्कूल या ग्राम बाइक चली जाए सीधी पहले वहाँ पर न्यूजीलैंड क्लिनिक में जो है वहाँ पर लोगों को जाना चाहिए, वहाँ पर क्या उनकी सहायता दी गई, उनको जो है क्या उनका गवर्नमेंट के काम उनका हुआ तो नहीं हुआ था। लोगों को जागरूक करने के लिए, विधिक साक्षर लोगों को बनाने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि आपके क्या अधिकार हैं और आपके क्या दायित्व हैं, इसके लिए हम लोग जो है ये बाइक रैली निकाल रहे हैं। और बाइक रैली निकालने के पश्चात ये विदिशा जिले के लोगों को जागरूक तो करेंगे और साथ में साथ उनको ये भी बताएंगे कि कैसे वो अपने अधिकारों को न्यायालयों में प्रवर्तित करा सकते हैं और हमारे इस समाज को, हमारे विदिशा जिले के लोगों को कैसे हम न्याय विभाग से फायदा दिला सकते हैं। सर एक बड़ा सवाल यहाँ पर कि आज भी कई ऐसे मजदूर हैं या अन्य लोग हैं जो न्यायालय की दहलीज तक आने पर डरते हैं। सर नहीं, कोई डर की बात नहीं है, वो आए और हम तो ये पैरालीगल वॉलंटियर्स और लीगल एड सब कुछ दिला रहे हैं उनको। यदि उनको किसी प्रकार का कोई भय कारित होता है न्यायालय में आने में तो वो हमारे लीगल एड डिपार्टमेंट में जा करके वकील नियुक्त करा सकते हैं और आ सकते हैं न्यायालय।